एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ऐश्वर्या राय मेकअप लुक। आई होप कि आपको अच्छा लगे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज मैं करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक ऐश्वर्या राय जी का। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपना लेंस। फाइनली मैंने लेंस लगा लिया है, और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है ना, सो अवॉइड करना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे स्किन केयर। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का टोनर, और आजकल मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा टोनर है। आपको बस इसके थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं और अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लेना है, जिससे कि आपके ओपन पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाए। सो टोनर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का मैराकुजा स्किन क्लैरिफाइंग फेस सीरम। सो गाइज, आप सभी को पता है कि विंटर सीजन है, और मेकअप करने से पहले फेस सीरम ज़रूर अप्लाई करें, और स्किन केयर में भी इसको शामिल कर लें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो टोनर को आप स्किप कर दें, क्योंकि टोनर में अल्कोहल होता है जो कि आपकी स्किन को और डैमेज कर सकता है। थोड़ा अवॉइड करना, मेरे ऊपर ब्लू लेंस पता नहीं अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम, और आप देख सकते हैं कितनी ख़त्म हो चुकी है, और काफ़ी अच्छी है ये क्रीम। आप इसे पर्पल ऐप से ले सकते हैं। मैं आपको जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी सबके लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की लिप बाम, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये मुझे बहुत पसंद है। विंटर्स में लिप्स भी बहुत ही ज़्यादा क्रैक होते हैं, तो अच्छे से इसको अप्लाई कर लें। तो स्किन केयर हमारा हो गया है। अब हम मेकअप अप्लाई करने से पहले यूज़ करेंगे अपना वेट एंड वाइल्ड का, मैं ले रही हूँ प्राइमर। बस इतना सा लेंगे। प्राइमर से जो आपके ओपन पोर्स होंगे वो तो क्लोज होंगे। का मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और आपका बेस जो है वो क्रैक नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ बेस रहेगा, और आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। सो मैं स्टार्ट करूंगी आई मेकअप से। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, और आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की एश ब्राउन किट, और इसमें से मैं ले रही हूँ ब्राउन शेड, ये वाला ब्राउन एंड ब्लैक। ये डार्क ब्राउन है, वैसे ब्लैक नहीं है। इन दोनों को मिक्स करके हम अपने आईब्रोज फिल करेंगे। बस इससे हम हल्का हल्का अपने आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे, जैसा ऐश्वर्या जी की जो आईब्रोज़ का शेप है वो हम दे देंगे। और यहाँ पे मैं अब इसके बाद यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, और इसके बाद आपको नायरा मायरा की आवाज़ सुनने को मिलेगी। बाबू मेरी लिपस्टिक अगर खराब हो गई ना, फिर पिट हो गया। मम्मा लिपस्टिक, मम्मी ये कहाँ के लिए है? मम्मी ये आज इसका कहाँ के लिए है? सो अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करके सेट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसको हम एक पफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेंगे, एक्स्ट्रा पाउडर को रिमूव कर लेंगे। इससे हमारा जो कंसीलर है वो हमारा क्रीमी जो कंसीलर होता है वो सेट हो जाएगा। इससे हमारे आई शेडो की पिगमेंटेशन अच्छी आएगी। और मैं यहाँ पे आई शेडो यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की रोज़ गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट, उसमें से मैंने ब्राउन शेड ले लिया था, उससे मैंने क्रीज लाइन बिल्ड कर ली है। अब उसके बाद मैं ब्लैक शेड लेके उसी क्रीज लाइन को और बिल्ड करूंगी, क्योंकि हमें स्मोगी आइस अपनी क्रिएट करनी है, पर बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करनी है, हमें ब्राउनिश सी रखनी है अपनी आइस का लुक। इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का काजल, और इस काजल को मैं पहले वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी,
और उसके बाद में जो हमने काजल अप्लाई किया है उसको हम थोड़ा सा स्मज करेंगे अपना ब्लैक शेड लेके, उसी आई शेडो में से ब्लैक शेड लेके हम इसको थोड़ा सा इस तरह से स्मज कर लेंगे और उसी काजल से उसी शेड से हम ब्लैक शेड से अपना आईलाइनर भी ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमें स्मोकी आई बनानी है, तो हर जो हमारा आई शेडो और जो हमारा लाइनर है वो थोड़ा सा स्मजी सा होना चाहिए। और उसके बाद हम अपना आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मस्कारा यूज़ करेंगे और मस्कारा भी मैंने यहाँ पे मेबलिन का यूज़ किया है, क्लॉसल मस्कारा, और इससे अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे। और अब उसके बाद हम आते हैं फेस मेकअप पे। सो फेस के लिए मैंने फाउंडेशन लिया है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन और मेरा शेड है 115। डॉट डॉट करके हम पहले पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंडिंग अच्छे से रखनी है। और अब इसको सेट करने के लिए मैंने फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर ही लिया है मेबलिन का, और इससे हम अच्छे से पूरे फाउंडेशन को सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ अपनी अंडर आई और नोज़ एरिया, चिन एरिया और फोरहेड पे वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, और इसको हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, इससे जो हमारे डार्क स्पॉट्स या डार्क एरिया जो होता है जो फाउंडेशन से नहीं हटता उसको हम अच्छे से हाइड कर लेंगे, और कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अच्छे से हम उसको सेट कर लेंगे जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NY बे रनवे की कॉन्टोरिंग स्टिक। मैंने इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे, इसे आप एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने ब्राउन शेड लेके इसको एज अ कॉन्टोरिंग स्टिक बना लिया है, और इसको हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और आपको पता है कि हम कॉन्टोरिंग इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारे फीचर्स जो हैं अच्छे से एनहेंस हो जाएं, क्योंकि हम जो फाउंडेशन लगाते हैं कंसीलर लगाते हैं इससे जो हमारे फीचर्स हैं वो एनहेंस नहीं हो पाते, सो इसलिए हम अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कॉन्टोरिंग कर ली है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नेल्फ का ब्लशर और मेरा शेड है पीच, सो आप इसको अच्छे से अपने चीक एरिया पे अप्लाई कर ले। सो आप देख सकते हैं इससे कितना अच्छा इफेक्ट आ गया है। और अब हमारा लिप्स की बारी आती है, सो लिपस्टिक लगाने से पहले हम अपने लिप्स को कॉन्टोर कर लेंगे, कि अच्छे से हम शेप दे देंगे जिस तरह से ऐश्वर्या जी का लिप्स है उस तरह से। और मैंने उस लिपस्टिक का शेड वैसा ही देख के लगाया है, तो जो उनकी लिपस्टिक है उनका शेड जो है वो थोड़ा सा शिमरी सा शेड है, तो इस पहले हमने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया, उसके बाद हम आई शेडो वाली पैलेट में से लेके एक जो शिमरी सा जो शेड है उसको अप्लाई कर लेंगे। इससे आपका जो लिपस्टिक का जो शेड है वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा लिपस्टिक का शेड बिल्कुल वैसा ही हो चुका है पिक में मैंने आपको दिखाया। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, और इससे हम अपने जो चीक बोन होता है और नोज़ एरिया हाइलाइटेड पॉइंट्स जो होते हैं उनको शाइन देने के लिए, ग्लो देने के लिए हम अपना हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे। स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपना आईब्रो बोन पे भी अप्लाई कर लूँगी, और आप देख सकते हैं इससे एक अलग ही ग्लो नज़र आता है आपके फेस पे, इससे आपका जो मेकअप होता है वो ग्लोई सा मेकअप बन जाता है। और हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। बात आती है हेयर स्टाइल की, तो आपने देखा पिक में कि उनका एक बड़ा सा पफ बना हुआ है, सो यहाँ पे मैं बड़ा सा पफ बनाने के लिए एक जो ये इस तरह का आता है मार्केट में, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, पफ ही बोलते होंगे शायद, तो इसको हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे हेयर पिन की हेल्प से, और आगे के हेयर्स को हम अच्छे से कॉम करके पीछे टक कर लेंगे हेयर पिन की हेल्प से। इससे हमारा एक काफ़ी अच्छा खासा बड़ा वाला पफ बन जाएगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनका पफ बड़ा पफ नहीं बनता वो इस तरह से बना सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा टिकाऊ वाला है ये पफ, ठीक है ना। उसके बाद पीछे के हेयर्स को लेके आप बन बना लें, और इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं फ्लावर पॉट में मैं उसमें से फ्लावर्स निकाल के इस तरह से एक पीछे हेयर क्लिप बना ली है, जैसे कि आपने उस पिक में देखा होगा उनके ब्लू कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं उनके जूड़े में, तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं हेयर स्टाइल, और आप इसको किसी भी इस लुक को किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। आप न्यू ईयर पे ट्राई कर सकते हैं, आप क्रिसमस में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।